तो गाइस आज है 6 अगस्त और मैं सोच रहा था कि मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में मतलब सोच ही नहीं रहा था। मैं एक्चुअली पता था कि अपनी नेक्स्ट माइनक्राफ्ट वीडियो में जो हार्डकोर से डिस्प्ले होने वाली है उसके अंदर मेरे को एक क्रॉप फार्म तो बनाना है, ऑटोमेटिक क्रॉप फार्म मेरे को बनाना है। बट मैंने जैसे एक आप लोगों को अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि मेरे को जो चीज़ें बनानी होती है वो चीज़ें होती सेम है, बस मैं ट्राई करता हूँ कि उनको थोड़ा सा डिफरेंट बनाऊँ ताकि वो लगे कि हाँ एक अलग वर्ल्ड में मैं खेल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे सर्वाइवल सीरीज में वो चीज़ है और उसकी मैं हार्डकोर वाली भी बना रहा हूँ, तो ऐसे नहीं कि मैं एक ही वर्ल्ड में खेल रहा हूँ। इसीलिए मैंने सोचा, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्रॉप फार्म को अलग कैसे बनाऊँ, क्या डिफरेंट बनाऊँ, अलग शेप कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बट फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने अपने जो सबसे लेटेस्ट वीडियो माइनक्राफ्ट की जो कि सर्वाइवल सीरीज वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था जो कि मैंने बनाया था वर्ल्ड का बिगेस्ट टर्टल फार्म, ठीक है। और वो वाला फार्म जो है एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, मतलब ठीक है एकदम सही चल रहा है वो फार्म। और फिर मैं ऐसे सोच रहा था कि मैं क्या अलग करूँ क्या अलग करूँ, कि मैं एक अलग वीडियो बनाए, यूनिक वीडियो बनाऊँ। तो वो ही चीज़ सोचते सोचते मैंने क्या किया, मैंने एक चीज डिसाइड करी मैं क्या कर सकता हूँ ना। मैंने क्या किया कि मैं सोचा कि चलो एक और बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं। फिर मैंने थोड़ा बहुत ऐसा ढूंढा, पता लगाया कि अभी के टाइम पे क्रॉप फार्म जो है, मतलब जिस टाइप का क्रॉप फार्म बनाने वाला उस टाइप के क्रॉप फार्म में सॉरी वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है, मतलब कितना बड़ा वो फार्म है। तो मैंने वो फार्म देखा। अभी अगर आप लोगों को याद होगा मेरे सर्वाइवल सीरीज वाले वर्ल्ड में तो क्रॉप फार्म है, वो जो है वो कैसा है कि मतलब एक ऐसी शेप है और इस तरफ पे एक विलेजर है। तो जो ऐसी शेप है उसके अंदर जो फार्मर है वो काम करता है और वो विलेजर्स को क्रॉप देता है और वो बीच में हॉपर्स लगे हो तो वो क्रॉप हॉपर्स से आगे चश्मे आ जाती है, ऐसे वो काम करता है। बट अब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना उसके अंदर जैसे मैंने ये वाला जो पार्ट है वो एक ही बनाया है, बट वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो चारों तरफ एक एक बना हुआ है। जैसे एक इधर बना, फिर एक इधर बना, फिर एक इधर बना, उसके बाद एक ऑपोजिट साइड है सबसे फ्रंट वाली की, ठीक है, ऐसा कुछ है। और मतलब एक ही लेयर में 4 लेयर होने के बावजूद उन 4 लेयर्स को 20 लेयर्स तक लेके गया, मतलब 20 लेयर्स का वो फार्म बनाया था। अब पहले तो मैं सोचा यार बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, कैसे वर्ल्ड को तोड़ूंगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। बट फिर मैं सोचा, मैंने कहा यार मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ती है। अब मतलब ठीक है मेरा फायदा भी होगा, उससे पहले तो वो कॉन्टेंट मिलेगी और दूसरी चीज़ क्या बोलूँ, कॉन्टेंट मिलेगी और दूसरा वही होगा कि क्या बोलते हैं, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन जाएगा और फार्म में कुछ चाहिए था फार्म भी बन जाएगा। तो अब मैंने सोचा है कि मैं देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मेरे लिए क्या चीज़ है, मैं एक किस लेयर बना दूँ, ठीक है। मतलब ये नहीं कि भाई उसकी 10 लेयर बनाने में मेहनत लगेगी, 21 लेयर भी बहुत बड़ा अमाउंट है, पर मैंने सोचा यार 21 लेयर तो बता के मतलब फायदा क्या है। तो मैं सोचा चलो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना तो एकदम अच्छे से ही तोड़ते हैं। 20 लेयर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं 30 लेयर्स बनाने वाला हूँ और बस देखते कैसे बनने वाला है। अभी तक तो मैंने कुछ सामान भी नहीं इकट्ठा किया, अभी जिसमें एक इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मतलब मैं चाहता नहीं कि वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी बनाए क्योंकि 30 लेयर्स बनाते हुए दिखाना लाइक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आप लोगों को सिंपली बस फर्स्ट लेयर जो एकदम ग्राउंडेड लेयर है वो बनाते हुए, सॉरी गाइस मुझसे बीच में रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। हाँ तो मैं कह रहा था कि जो एकदम ग्राउंडेड लेयर है सिर्फ और सिर्फ उसका एक मैं आप लोगों को टाइम लैप्स दिखाऊंगा छोटा सा, और उसके बाद जो रिमेनिंग 29 लेयर्स है वो बनाने के बाद आप लोगों से भी मिलूंगा। और देखते हैं अभी मतलब कैसा जाने वाले, मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा लगने वाली है और मतलब बहुत सारा रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, बहुत ज़्यादा ग्राइंड लगने वाला है। बट जितना भी टाइम हो जितना भी ग्राइंड लगेगा मेरे को करने को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये जो फार्म पूरा का पूरा बनाऊंगा और देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है कितना लगती है। तो अभी मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आई गेस तो 4 या 5 मिनट का ये मैंने वैसे ऐसा बात ही बोल दी है। अभी मैं सीधा चलता हूँ वहाँ पे फार्म बनाना स्टार्ट करता हूँ, आप लोग टाइम लेस इन्जॉय करो। और
मैं आप लोगों को टाइम लैप्स के बाद मिलता हूँ डायरेक्टली वीडियो के एंड पे, ठीक है गाइस। या तो मैं ऐसा कर दूंगा कि मैं दो लेयर बना के दिखा दूंगा ताकि मतलब ऐसा हो जाए कि पता रहे कि मतलब ऊपर को एक्सटेंड कैसे करना। फिर तो ऐसा रहता है ना कि मतलब फिर पता चल जाता है कि एक लेवल बोल रहा हूँ, एक लेवल एक्सटेंड कर दिया उसके बाद ऊपर उसी वजह से एक्सटेंड करना होता है, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता उसमें फिर। और अभी तो मतलब चार साइड्स पे वो कैसे बनेगा, वो फार्मिंग वाला एरिया मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसमें भी है, क्योंकि मेरे को पता नहीं कि उसको कैसे बनाना। तो सबसे पहले तो मेरे को लाइक क्रिएटर वर्ल्ड में जाके थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उस चीज को कि वो कैसे होगा, और मतलब उनको कनेक्ट कैसे करना चारों साइड्स को, क्या शेप क्या पैटर्न वगैरह मतलब कैसे करना, सब कुछ देखना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो ना, तो पहले मेरे को भी थोड़ा प्लानिंग वगैरह करना पड़ेगा उसको बनाने के लिए। और हाँ तो बस अभी के लिए इतना ही, अभी आप लोग फैमिली से इंजॉय करो और उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस मैं आप लोगों को क्या बोलते हैं, वो तो नहीं दिखा पाया, टाइम लैप्स नहीं दे पाया, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रहा था कि मतलब मेरे को नहीं पता था कि इन फार्म्स को कैसे कनेक्ट करना है, कैसे बनाना है, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था। इसीलिए मैं इतना जिसमें मैं टाइम लैप्स नहीं बना पाया, क्योंकि मेरे को पहले समझने में इतना टाइम लग गया। तो मैं सोचा कि चलो बिल्ड कर लेता हूँ, बिल्ड करने के बाद वो दिखा दूंगा। तो गाइस आज है 12th ऑफ अगस्त, मेरे को 1 वीक हो चुका है, और 1 वीक के अंदर मैंने 50% ऑफ फार्म जो है वो कंप्लीट कर दिया, कैसे ना कैसे करके। और तो 13 लेयर्स मैंने सब गए, 15 से 15 लेयर्स मैं बना चुका हूँ, और अभी भी 15 लेयर्स बनाना बाकी है। तो मैं लगा एक बार आप लोगों को दिखा दूँ भी पहले 15 लेयर्स, ताकि मतलब ये ना हो कि ऐसा हो जाए कि मैंने बोला कि टाइम लग सकता हूँ, अगला फ्रेम जो आ रहा है इसके अंदर भी मैं एकदम दिखा रहा हूँ, मैं वो चीज़ भी नहीं। मैंने कहा चलो पहले एक बार दिखा देता हूँ। और भी सबसे ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर्म बनाते वक्त मेरे को क्या आ सकता है, रिसोर्सेज की कमी पड़ना वो भी पूरी हो सकती है। रिसोर्सेज तुम ले आओगे, फार्म बना लोगे, ठीक है हो जाएगा, किसी भी चीज़ की कमी पड़ सकती है। या तो सपोज करो कि तुम कुछ टीएनटी से रिलेटेड फार्म ले रहे हो, जिसमें टीएनटी डुपर रखता हो, डुपर अगर बन गया तो तुम लोग तो टीएनटी चल जाएगा, समझ सकते हो ना आप लोग क्या होता है। तो टीएनटी वो फट जाएगा, और क्या बोलते हैं, हाँ, और वो फार्म पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो भी रिबिल्ड कर सकते हो, बट मतलब ऐसा हो कि आपने किसी चीज़ को सही से बना दिया हो बट वो चीज़ सेम ही ना हुई हो। अब मेरे साथ हुआ क्या था, अभी जब मैं लास्ट ईयर बना रहा था उस टाइम पे ही एटर्नोस जो है, एटर्नोस का पता नहीं क्या ग्लिच हुआ, सर्वर में कुछ एरर आया और सर्वर हो गया बंद, अपने आप ही मैं डिस्टार्ट हो गया, सर्वर बंद हो गया, मेरे को पता नहीं चला क्या हुआ। फिर मैं एटर्नोस पे गया, मैंने सर्वर को रिस्टार्ट किया, चालू किया मैंने, क्योंकि सर्वर एटर्नोस के थ्रू ही ऑफ हो चुका था, डायरेक्ट ऑफ हो चुका था। तो मैंने जाकर सर्वर को दोबारा स्टार्ट किया, एंड मैं जब वहाँ पे गया रिस्टार्ट, जब मैंने किया सर्वर को, मेरे को तब मैं जब ज्वाइन थे ना सर्वर, मेरे को तब पता चला कि मेरे फार्म की एक लेयर पूरी की पूरी लाइक स्टोर ही नहीं हुई। मैंने बनाई पूरी, रिसोर्सेज खर्च हुए, मेरे रिसोर्सेज जो है वो कम हो चुके थे, इन्वेंटरी की चीज़ें कम हो चुकी थी, सब कुछ मतलब यूटिलाइज हो चुके थे रिसोर्सेज, लेकिन जो है वो फार्म का जो लेयर है वो भी काउंट नहीं हुई। अब इतना बुरा लगा ना मेरे को, लिटरली इस टाइम पे अराउंड कुछ 2:30 बज रहे थे, और मैं कर चुका था मतलब अभी तो 6 बज रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखा देता, 6 बज रहे हैं अब, वरना मैं 2:30 3 बजे ही मैं ये पार्ट रिकॉर्ड कर रहा होता, बट मैं 3 घंटे लेट हो गया भाई। वो चीज़ हुई, मेरा इतना दिमाग खराब हुआ ना, मेरा इतना हेडेक होने लग गया, और चीज मैं फिर मतलब मेरे से और हो जा रहा है। मैंने कहा भाई मैं पक चुका हूँ, इतना दिमाग खराब हो गया, एक लेयर बनाई पूरी, वो पूरी की पूरी लाइक स्टेज भी नहीं लेयर। मैंने लाइक लैपटॉप ऐसा साइड पे रखा, दूर मैं लैपटॉप साइड पे रख के मैंने छोड़ दिया, ऐसे क्या हो रहा है वर्ल्ड में वो कुछ नहीं दिख रहा। मैं साइड पे अपना भाई लिटर भी सो गया, मजाक सबके सो गए, मेरा अपना दिमाग खराब हो रहा था। और फिर मैं उठा जाके 4 बजे के आसपास में उठा, 4 4:15 बजे में उठा, और फिर मैंने कहा बना के चलो। तो मैंने सबसे सर्वर चालू किया, और मैंने
फार्म मतलब 15 लेयर्स जो है वो पूरी बनाई, और अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी फार्म कैसा लग रहा है। तो मैं आ जाता हूँ अपने वर्ल्ड में, और इस टाइम पर मैं रॉकेट्स ले लूँ, मतलब रॉकेट्स अपग्रेडेड। तो गाइस ये देखो इतना बड़ा फार्म, और आई गेस कुछ नहीं रहा होगा प्रॉपरली। हाँ अब देखो तो ऐसा ही है, कुछ फार्म बन रहा है, और अभी तक तो बहुत सही बन रहा है। और ये जो है बस ये दिक्कत आ गई थी इस वॉल से एकदम अटैच जाए, तो मैं बाद में ये वॉल जो है उसको अभी ये छोटा कर दूंगा। तो मेरा छोटा बोल रहा हूँ वॉल, जैसे ये है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने एक ब्रीडिंग के लिए बर्ड्स लगाए हुए थे, क्योंकि उनको बिजनेस लेके जाने हैं। मैंने हिसाब लगा और मेरा हिसाब ये बनता है कि मेरे को टोटल 150 विलेजर्स चाहिए इस फार्म के लिए। अब तो मैंने यहाँ पे ब्रीडिंग करी और बोलिंग कर सकते ट्रक है यार, इनको भी रिपेयर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने पूरा बिल्डिंग बर्ड लगा रखा है, आप देख सकते हो बहुत सारे बेड है, और मतलब मैं उनको ब्रेड भी देता रहता हूँ वहाँ पे। तो अभी चलते हैं, अरे क्या हो गया। हाँ ये देखो गाइस, ये कुछ अपना फार्म है, और यहाँ तक मैं आ चुका हूँ, और ये अपनी 15th लेयर है। मैं गिनवा तो नहीं सकता आप लोगों को, बट मैं एक काउंट रखते हुए बना रहा हूँ, इसलिए लोगों को पता है 15th लेयर है। अब भाई मैं लोग गिनवाऊँ कैसे, मतलब अब भाई क्रिएटिव मोड थोड़ी ना कि ऐसा आवाज मुड़ती मुड़ती ऊपर गिनवा दूँ, तो समझ सकते हो ना। बट मैंने अपने पास काउंट रखा हुआ है, मैं मतलब मेरे को मैं बना रहा था, मेरे को तो पता ही है कि कितनी लेयर्स बन चुकी हैं, तो वही सीन है। और अभी अपना 15 लेयर्स बन चुकी है, और अपना फार्म एकदम ऑब्वियसली बहुत प्यारा काम कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब फार्म अभी बना भी नहीं है पूरा, और अभी इसमें इतना सामान दे दिया कि 6 लार्जेस्ट पूरी की पूरी भर चुकी है इस फार्म की। तो वो दिखाता हूँ, 6 लार्जेस्ट पूरी पूरी भर चुकी है। तो देखो ये हो गई, दो तीन चार पाँच छः भर गई, और वो सात पे मैं खोल, अरे 7th टेस्ट भी भर गई गाइस एक्चुअली। लोग मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 लेयर और बनाई, और उसके अंदर ही 7 टेस्ट भर चुके, तो 8th टेस्ट जो है वो भी भर रही होगी। तो मतलब बहुत सही काम कर रहे हैं फार्म, और एकदम तो प्यारा चल रहा है, मजे आ रहे हैं। और अभी तो मतलब अभी तो बन जाएगा, पूरा बन जाएगा तब तो कुछ इतना ही लोग सामान मिलेगा इस फार्म से, तो चीज़ तो पता भी नहीं यार। बस भाई इस फार्म में तो बहुत थका दिया यार, मतलब पता है 1 हफ्ते से मैं क्या चीज कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस पैटर्न में ये लगा रहा हूँ, सीजन ब्रिक्स लगा रहा हूँ, सीजन नेदर ब्रिक्स, उनके ऊपर ग्लास लगा रहा हूँ, और फिर वो बीच में विलेजर लेके आ रहा हूँ, और फिर साइड पे डर्ट वर्ट लगा के उनको टिल करके उस एरिया को, टिलिंग करके उस एरिया की, और वहां पे फिर क्या कर रहा हूँ, क्रॉप लगा रहा हूँ। 1 हफ्ते में सिर्फ बहुत सारा यही चीज कर करके मेरा दिमाग खराब हो चुका, मैं लिटरली इतना ज्यादा भी बोर हो चुका हूँ ना, मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं शाम को आगे और बनाऊँ यहीं पर, लाइक खत्म कर दूँ और ऊपर से एकदम कवर ओवर कर दूँ शाम को, वहीं पेंट कर दूँ। बट भाई लेकिन अब सोच भी है कि भाई बनाना है रिकॉर्ड तो बनाने, तो 30 लेयर्स पूरी की पूरी मैं बना के छोड़ूंगा, भले ही मैं आराम आराम से बनाऊँ, मेरे को 2 हफ्ते लग जाए, तो मेरे जैसा भी मान के चलो कि मैं 1 हफ्ते में, बहुत सही, बट मेरे पास टोटल भी नहीं है, फोटो करने में मत जाता, मतलब दिस इज हाउ यू डाई इन अ वर्ल्ड इन विच यू हैव प्लेड फॉर 1400 डेज इन अ हार्डकोर वर्ल्ड, इतनी केयरलेसनेस भाई, मतलब टोटम भी नहीं रखा। हाँ भाई मैं बोल कर रहा हूँ, मतलब 1 हफ्ते से एडजस्ट कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में कुछ है भी नहीं, मैं भाई विलेजर्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं देख रहा भाई, सिर्फ और सिर्फ ये बना रहा हूँ, और 1 1 घंटा इस फार्म पे वैसे खड़ा, क्योंकि कई साल तक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये ही एक एक्सपी फार्म है, और थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर रहा हूँ क्लेरिक से बॉटल ऑफ एन्चेंटिंग के लिए, ताकि अपना काम हो जाए कुछ, मतलब अब भाई तुम भी समझो कि तो इसको भी तो हील करना पड़ता है ना, मतलब मेरे बेसिक ज्यादा स्कूल तो यूज नहीं हो रहे, तो टैक्स बहुत कम, कभी ग्लास लग गया या कुछ हो गया, तो
यार, लेकिन वो तो भाई भयंकर यूज हो गया, भयंकर। और तो आप लोग देख रहे हो नीचे वाले लेवल पे अलग ग्लास है, बाकी सारे लेवल पे अलग ग्लास है। तो हुआ क्या ना, यहाँ पे टिंटेड ग्लास लगा दिया था। पहली चीज, टिंटेड ग्लास जो है उसको वो करने के लिए, टिंटेड ग्लास बनाने के लिए रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं उसके लिए। वो लगता है क्या बोलते हैं उसको, शार्ड लगते हैं जो नए वाले ग्लास, आप लोग पता ही होगा। और इस ग्लास का साइड इफेक्ट है जो कि इस मतलब इस फार्म के लिए वो साइड इफेक्ट है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। टिंटेड ग्लास बहुत बढ़िया लगता है। टिंटेड ग्लास जो है ना, ये नॉर्मल ग्लास से अलग इसलिए होता है क्योंकि इसके थ्रू लाइट पास नहीं हो सकती, तो कोई भी सनलाइट वगैरह होगी उसके थ्रू पास नहीं हो सकती। इसलिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अंदर स्पेशली ग्लो स्टोन लगा, टॉर्चेस लगाई हर एक ग्लास ब्लॉक पे। अब मैंने कहा मैंने एक लेवल पे टिंटेड ग्लास लगा दिया, अब इसको चेंज करने को बैठूंगा नहीं, टाइम और लग जाएगा। तो मैंने कहा एक लेवल पे मैं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, बाकी सारे लेवल्स पे फिर मैंने नॉर्मल ग्लास ही लगाया, क्योंकि टिंटेड ग्लास और ग्राफ्टन में भी नॉर्मल ग्लास तो लगता ही होगा। मैं फिर नीचे गिर जाता, टिंटेड ग्लास और ग्राफ्टन नॉर्मल ग्लास तो लगता ही, और ग्लास तो मैं भी जाता है। अगर मैं कुछ दिखाऊँ थोड़ा इधर नीचे, यहाँ से सारे सैंड उखाड़ लिए, फिर देखो मैजेट ये देखो, यहाँ पे 30 सैंड मैंने उखाड़ लिए और बाकी अभी हाफ पे सैंड है भाई। ग्लास के लिए बहुत सैंड लग रहा है, देखो इतना ये पूरा ही है सैंड का। मैं रिमूव कर चुका हूँ, वो पूरा एक सैंड माउंटेन था, पता है। और इतनी सैंड में रिमूव कर चुका हूँ क्योंकि वही बात है ना, अभी फार्म में इतनी इतनी सैंड लग रही है, फिर कस्टमर जो है उसमें भी इतना ग्लास लगा, और ग्लास और या सैंड तो कभी भी काम आई जाता है, तो इसलिए वही चीज रहती है। तो अभी हो जाएगा मेरा काम, मेरे पास अभी इतना ग्लास पड़ा हुआ है, अभी चेंज करना तो अभी इतना सामान नहीं है, बट मेरे को स्टोरेज में भी सामान पड़ा हुआ है, तो हो जाएगा मेरा काम, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और अब भाई, अब मैं लिटरली बताऊं इतना ना, मैंने ग्राइंड मजाक सेट के उसके लिए भी नहीं किया था, कुछ टाइम विलेज के लिए कि जब मैं ग्राइंड इतना खेलना माइनक्राफ्ट, भाई सीरियसली बता रहा हूँ मैं। अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड के मेरे फ्रेंड लिस्ट में अगर हो, तो आप लोगों को पता होगा कि भाई मेरा डिस्कॉर्ड पे माइनक्राफ्ट 5 घंटे से कम का किसी भी दिन शो नहीं होता, प्लेइंग माइनक्राफ्ट फॉर 5 आवर्स इतना दिखाते दिखाते है। और वो भी कभी कभार है तो एक दिन चलो ठीक है, खाना वाना खा लो, लॉन्चर बंद कर दिया, उसके बाद दोबारा चालू किया, तो वो टाइम तो काउंट ही नहीं करता। एक बार का जो मैं नॉन स्टॉप खेलने का देखा, तो वो बता रहा हूँ, एक बार मेरा देखा जाए मैंने 9 घंटे हो गए, जो उसके बाद मैंने चेक किया, मैं लॉन्चर बंद कर दिया। 9 घंटे देखने के भी मैं 1.5-2 घंटे और खेलता रहा। उसके बाद फिर मैंने डिनर किया, डिनर करके मैं दोबारा लॉन्चर खोला, फिर खेला भाई। मतलब अब भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का क्या करूँगा यार, मेरा तो कुछ नहीं था। तो चलो आई गेस मैंने बहुत ही ज़्यादा बोल लिया है, आई गेस इतना काफ़ी रहेगा अभी इस पार्ट के लिए। और सॉरी गाइस, मैं इसका टाइम लैप्स नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे को खुद ही नहीं समझ आ रहा था कि इस फॉर्म को मैं बनाऊं कैसे। देखो क्योंकि पता बात की है जिससे मैं वो समझाता हूँ क्या चीज़ है। ये देखो मेरे को जितना फॉर्म में बनाना आता था उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो मेरे को कितना आता था, ऑनेस्टली बताऊँ। इसका एक पार्ट राइट वहाँ उधर से लेके अराउंड कुछ 20 सेकेंड या 20 मिनट पे डिवाइड करके देख लेना, ना मैं समझा देता अच्छे से। हाँ मतलब यहीं तक मान लो, ठीक है, यहीं तक मान के चलो, यहाँ तक आता है, इधर है 3 ब्लॉक्स हैं, तो फिर आगे को जाते हैं वो, और बीच में जो विलेजर है ना वहाँ पे वो कनेक्ट होते हैं। रुको ना, मैं समझा, ऊपर से जो टॉप लेवल जाके वो खुली हुई है ना, वहाँ पे समझा पाऊंगा अच्छे से। हाँ ये देखो ना, इधर से खुली हुई है, भाई जहरीले आलू की निकाल दो अभी तो, ठीक है। देखो अभी भाई जो विलेजर्स के आसपास थोड़ा सा इग्नोर करना बहुत ज्यादा है। हाँ करेंगे, तो ये देखो अभी मेरे को पता है कितना है फार्म जाना था। जैसे ये हो गया एक पार्ट, ठीक है, ये एक डिसीजन है फार्म का। अब इसके बाद क्या है कि अब मेरे को उसको एक ही विलेजर सेंटर में रखते हो, मेरे को उसके चारों तरफ एक एक पार्ट बनाना था। अब मैं वो कैसे बनाऊंगा, स्पेसिफिक को कनेक्ट करूंगा, मेरे को वो चीज लेजिट नहीं पता थी। वो तो चलो मैं बना रहा था, मैं थोड़ा बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग किया मैंने, कैसे ना कैसे करके कनेक्ट करके बना दिए 4 पार्ट। अब मैं चाहता ना तो मैं सिर्फ सिर्फ सिंगल लेयर को ऊपर ऊपर करके बना देता, फीस लेयर और वो अब तक बन भी चुकी होती, लेजिट अभी तक बन चुकी होती वो, बट इन 4 लेयर्स की वजह से मेरे को करना पड़ रहा है। क्योंकि जो इस फार्म का वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ये है कि इन 4 पार्ट्स के साथ 20 लेयर्स,
तो अब भाई अब मैं कहने को तो यार ऐसे तोड़ दू बड़ी ऐसे तो बोल दू यहाँ से मैंने क्रॉप फार्म बना दिया, फिर कैसे बना दी, फिर तोड़ दिया बड़ी, और बट वो एक्चुअल में तो यूज होता है ना तोड़ने के लिए, तो मेरे को वो चीज़ करनी पड़ेगी जो है बेसिकली, तो इसलिए मेरे को चार पार्ट्स बनाने पड़े। और मतलब ठीक है अब तो मेरे को समझ आ गया कैसे बनाना, तो बहुत ईजी है। ईजी भी मतलब क्या बोलूँ, नीचे एक लेयर बन गई ना, मतलब बस मान के चल लो कि इसी को ऊपर 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 ऐसे रिपीट करते रहे, एक बिल्डिंग ब्लॉक आ जाएंगे, दो ग्लास ब्लॉक आ जाएंगे, और इसको ऐसे ऐसे करते 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 ऊपर रिपीट करते जाओ, एक एक के ऊपर एक ग्लास ब्लॉक ऐसे लगाते जाओ, ये सीन रहता है फिर तो। और तो कुछ नहीं है, तो चलो अभी मैं यहीं तक रखता हूँ, और क्या बोलते हैं आगे मतलब आगे लेयर्स कंप्लीट कर लेता हूँ, और 15 लेयर्स जो बची हैं वो कंप्लीट करने वाले आप लोगों से मिलता हूँ। आप लोगों को क्या ही मतलब अभी ये फ्रेम एंड होगा तो फिर नया फ्रेम आ जाएगा, जिसमें समझ ही रहे हो ना आप लोगों को भी कैसे बोलूँ। तो मैं जल्दी से 15 लेयर्स और बना लेता हूँ, उसके बाद मैं ये इस वीडियो को एंड करता हूँ और आप लोगों को फाइनल आउटपुट दिखाता हूँ। मेरे को थोड़ा बहुत ये एरिया रिमाइंड करना है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो मेरे इतने स्टोरेज रहने का एरिया है वो थोड़ा बहुत इसके अंदर मर्ज हो रहा है, तो मेरे को थोड़ा बहुत ही एरिया भी क्लियर करना पड़ेगा। वो तो मैं कर दूंगा, वो तो मतलब लाइक सारा टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेगी, उसके कोई इशू नहीं है, वो तो नहीं है, बस मेन है ये फार्म बिल्ड करना। और देखो फूड भी खत्म हो गया था, मैंने थोड़ा थोड़ा आलू पका के खा लिया, मुझसे फार्म से आलू ले लिया था एक स्टैक, उन लोगों को पका लिया था, फूड मेरा खत्म हो चुका था, सारे का सारा किसान मेरे पे था। तो चलो अभी के लिए इतना ही रखता हूँ, और मैं जल्दी से पूरी 30 लेयर्स कम्प्लीट करके आप लोगों से मिलता हूँ। तो गाइस फाइनली आज 15 दिन और 64 आवर्स के बाद मैंने फाइनली ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। और क्या बोलते हैं मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए मेरे को बेसिकली 21 लेयर्स ही बनानी थी, 30 लेयर्स तो जस्ट मैं एक रिकॉर्ड सेट करने के लिए बना रहा हूँ। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में 21 लेयर्स मैं बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने 6 तारीख पर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, और आज 21 अगस्त, 6 अगस्त को निकल गया, 21 अगस्त अभी है, 15 दिन हो गए इस प्रोजेक्ट को। और हाँ अब फाइनली प्रोजेक्ट तो खत्म नहीं हुआ है, बट वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है, तो मैं जल्दी से चल लेता हूँ तो गेम में। वो गए गेम में आ चुके हैं, और आप देख सकते हो भाई फार्म कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है हमारा, ये देखो भाई सारे स्केलेटन के आस पास आ रही है, तो थोड़ा के नीचे केव जाना बहुत ही तो हाथ होगा भाई। तो भाई ये देखो यार क्या प्यारा लग रहा है फार्म, और लैग मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, क्योंकि बस मैंने अभी अभी लाइक लैपटॉप स्टार्ट किए है, मैं कल रात को अराउंड 1 बजे के आसपास तक बैठ के 21 लेयर्स खत्म करी, और मैं कहा चलो कल सुबह रिकॉर्डिंग कर लूँगा इसकी, तो इसलिए अभी जस्ट मैं उठा ही हूँ, और उठे सबसे पहला काम मैंने ये चीज़ करी है, लैपटॉप खोल के सोचा रिकॉर्डिंग ही कर लूँ इसकी। तो ये हमारे फार्म की है पूरी 21 लेयर्स, 21 लेयर्स कम्प्लीट हो चुकी है, और अभी 22nd लेयर पर भी काम चल रहा है, और ये खराब हो गया, मेरी मेमोरी में लगा नहीं है, मैं इसको बस चेंज करना छोड़ रही हूँ, वो अपने आप फिक्स कर ले और तो फार्मर। बस 21 लेयर्स बनाने की थोड़ा मेहनत लगी, और अभी बस फिर बहुत मेरे को 9 लेयर्स और बनानी है, और ये मैं और गई अभी मतलब मैं इसके बाद ये पार्ट बता दूँ कि 21 लेयर्स मैं बना चुका हूँ, इसके बाद जो है मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि तो मैं लाइक अभी पूरा दिखाना है 30 लेयर्स बना के, ऐसा नहीं कि मैं 30 लेयर्स पूरी बनाऊंगा नहीं, आई होप कि जब मैं अपनी हार्ड कोर सीरीज पूरा डालूँ तब उसमें मैं 30 लेयर्स कम्प्लीट कर चुका हूँ। और मतलब 15 दिन लोग ही बनाते बनाते ही होगा, और इतना टाइम से माइनक्राफ्ट की वीडियो बनाई, इसलिए मैं सोचा कि अभी बस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के ही मैं वीडियो को अपलोड कर दूँ, ताकि लाइक कुछ कंटेंट हो जाए चैनल पे। इसलिए तो गाइस ये थोड़ा बहुत ऐसा स्टोरेज सिस्टम है, जैसे जो प्रॉपर स्टोरेज सिस्टम नहीं है, इसके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सा स्टोरेज सिस्टम सोच के रखा है, अगर वो मैं बना पा अगर वो मैंने बना लिया तो गाइस लिटरली बता रही है फार्म बहुत ज़्यादा प्यारा बनेगा। तो मतलब फार्म तो वैसे भी प्यारा ही है, लेकिन स्टोरेज सिस्टम भी अच्छी बन जाएगी तो ज़्यादा बढ़िया लगेगा। अभी गाइस 21 लेयर्स बनाते बनाते कितना सामान मिला है लोगों में वो देखना चाहते हैं एक बार, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
बारहवीं चेस के लिए आगे बढ़ चुकी है। 11½ चेस समान स्क्वायर को फार्म बनाते बनाते आ चुका, तो जब फार्म पूरा पूरा बन जाएगा एकदम कॉन्स्टेंटली चलेगा भाई, तब इतना ही समान मिलेगा। आप लोग कुछ सोचो भाई, तो मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया फार्म है, एकदम बढ़िया चल रहा है और एकदम मजे भी आ रहा है। लाइटर काम के लिए बता सकता है। अब आ गया वो, पता नहीं कि बीच में चल भी नहीं रहा था। हाँ तो बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी उसको बनाने में, और बिल्कुल नॉन वेज अभी भी और बनानी है मेरे को, तो उसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी, क्योंकि पता है मेरे को मतलब इतना टाइम लगना नहीं चाहिए शाम को बनाने के लिए बेसिकली, बट मेरे को लगा इतना टाइम इसलिए उसके लिए रीजन ये है कि मतलब अब स्कूल स्टार्ट हो गया और मैं इतना टाइम नहीं निकाल पा रहा गेम खेलने के लिए। गेम खेले भी क्या ही बोलूँ, मतलब बेसिकली माइनक्राफ्ट खेले लीजिए मैं, तो मैंने सभी को चलो खेल भी लूँ कि हाँ चलो क्या कहते हैं वीडियो में, तो फोन में खेल लिया बस, फोन उठाया रिकॉर्डिंग करी फिर उसकी भी मॉन्टाज बना के डाल दी। पर माइनक्राफ्ट का क्या है ना, माइनक्राफ्ट में मतलब पूरा प्लान करना पड़ता है, बनाना फिर सामान जमा करना है पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी होती है, फिर रिकॉर्डिंग करके एडिट करना होता है, फिर एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट करता हूँ। गाइस मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, जो मेरा हार्ड कोर ट्रिगर की वजह थी ना ये वेक्टर इमेज की, उसको एक्सपोर्ट होने में लेजिट लेजिट मेरे को 10 घंटे लगे हैं। जैसे मैंने कोटिंग पर लगाई था जैसे मेरा स्कूल था, और लाइक मेरे को लगा कि कोटिंग हो जाएगी तो मैंने कोटिंग पर लगा दी, बट मेरे को उस कोटिंग की वजह से मैं रात को 2 बजे तक भाई सिर्फ और सिर्फ कोटिंग में जागा हुआ था कि भाई कोटिंग खत्म होगी तभी लैपटॉप बंद करके सही बात, एक्सपोर्टिंग खत्म हुई फिर मैं लैपटॉप बंद करके सही। उसके बाद फिर अगले दिन मैं स्कूल से घर आया, घर आकर फिर मैंने वो वीडियो को शेड्यूल किया। अरे मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगता है माइनक्राफ्ट में, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। अभी तो ये वाली वीडियो भी 125 मिनट के आसपास की बन चुकी है, 25 मिनट की वीडियो भी कॉल करने एक्सपोर्ट करने में मेरे को एटलीस्ट 3 घंटे के आसपास लग जाएंगे। सही बता रहा तो मतलब 3 घंटे मैं बोल रहा हूँ बट 2.5 घंटे में भी हो सकता है, कुछ नहीं कर सकते भाई मतलब कितना टाइम लगेगा। तो वही बात है माइनक्राफ्ट में टाइम बहुत ज्यादा लगता है, माइनक्राफ्ट की एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, और अभी तो इसमें कोई टाइम लैप्स नहीं है, इस वाली वीडियो का कोई टाइम लैप्स नहीं रखे, मतलब टाइम लैप्स का एडिटिंग का टाइम अलग से और काम करना पड़ेगा, टाइम लैप्स में रिकॉर्ड करो फिर उसको एडिट करो उसको फिर रेंडर करने में और टाइम लगता है, क्योंकि टाइम लैप्स रेंडर होने में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक टाइम लैप्स को रेंडर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मतलब अगर मैं इसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, चलो मेरी सर्वाइवल की वीडियो थी मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था उसमें वर्ल्ड बिगेस्ट टर्टल फार्म का, वो तो चलो कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, वो तो मैंने फोन पे तोड़ देगा जो मैंने बनाया उस रिकॉर्ड को कोई भी तोड़ सकता है, बहुत ईजी है वो, मतलब मैं अपना खुद का रिकॉर्ड ही तोड़ के अपनी वर्ड डाल सकता हूँ सर्वाइवल सीरीज की, बट वो छोड़ो। लेकिन भाई ये जो रिकॉर्ड है ना भाई, ये लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत वाली चीज़ है। सबसे पहली चीज़ अभी भी ये फार्म पूरा नहीं बना है, और अभी भी इस फार्म को बनाने के लिए मेरे को ऑनेस्टली बताऊंगा कितने बजे लग गए होंगे, मेरे को अभी तक 105 विलेजेस लग चुके हैं फार्म को बनाने के लिए, तो 105 विलेजेस को इतनी ज्यादा हाइट तक ऊपर पहुंचाना कितना मुश्किल काम है, और उसके ऊपर से वो भी कम हो तो अभी मेरे को 9 लेयर्स और बनाने, इसका मतलब 45 विलेजेस और, क्योंकि पर लेयर 5 विलेजेस लगते हैं, एक विलेजर जो वो सेंटर में रहता है और 4 विलेजर से भी क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं, और मैं बना भाई मैंने लिटरली स्पेस बार दबाया था बटन फिर भी भाई मैंने लाइटर अभी खुला था, अगर किसी ध्यान से देखा हो तो मैं ग्लाइड करने लगा था बट फिर भी मैं होल डैमेज पड़ा, मेरे को पता नहीं भाई क्या है ये माइनक्राफ्ट यार, ये शील्ड से लगता है रात हो रही है बट रात नहीं अभी, चलो कोई बात नहीं। तो वही बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगती है, और प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, मेरा गोल है कि इस ईयर एंड तक 200 सब्सक्राइबर्स मेरे हो जाए तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर पुराने फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो काम से स्पॉन्सर एकदम से पक्के था, तो मैंने क्या कर दिया ना, मैंने अंदर एक ब्रीडर बनाया हुआ था विलेज, जहाँ पर मतलब मैंने ब्रीडर के बोले मैंने बहुत सारे बेड्स लगाए हुए थे, तो मैंने वो सारे के सारे बेड्स को तोड़ के इस बाउंड्री वॉल को 2 ब्लॉक अंदर कर दिया ये देखो, और यहाँ के बेड्स भी बताए।
मेरे भाई तेरा सबसे पहला घर है वो, तू वहां से यहाँ पे आया भाई सुनने के लिए। अजीब पागल आदमी है भाई। चलो इसको छोड़ो, गोली भी डालने से रखे हैं, तो इनको भी रिपेयर करना आयरन चाहिए भाई। क्या हो बहुत ज्यादा काम है अभी तो इसमें तो, बट क्या कर सकते हैं, अभी कुछ कर भी तो नहीं सकते वो दिक्कत है। तो हाँ बस यही मैं रखता हूँ आज की वीडियो में, इसको आज की वीडियो की। और आई होप सो कि आज 21 अगस्त को ही आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। कुछ नहीं कह सकते, मेरे मूड पर डिपेंड करता है। तो मतलब मैं थोड़ा स्पोर्टिंग पे लगाऊंगा अभी, थोड़ा आने वाने जाऊंगा अभी, उसके बाद जब तक ना के आया उसके बाद देखूंगा तो क्या करूंगा। नहीं यार रिकॉर्डिंग करना, और वीडियो को शेयर करना अपने माइनक्राफ्ट दोस्तों के साथ, तो आपके दोस्त माइनक्राफ्ट खेलते हैं, और ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो और ऐसे ही बड़े बड़े अपडेट्स लाने की मैं ट्राई करता रहूंगा। मतलब मेहनत तो मेरी मिलती है, मतलब मेहनत तो मेरे को करनी पड़ रही है, बस आप थोड़ा सा सपोर्ट अगर कर दो वो बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस ये था बस आज की वीडियो में, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अगली वीडियो अगर सर्वाइवल सीरीज की वीडियो होने वाली है, सर्वाइवल सीरीज की वीडियो होगी अगली वीडियो, तो देखते हैं उस वाली वीडियो में क्या करने वाला हूँ। और ये था बस आज की वीडियो में, मिलता हूँ लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।